हाँ जी, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब क्या है? देखो, जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, माइक्रोस्कोप का मतलब होता है किसी छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखने के लिए जो डिवाइस काम में लिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप बोलते हैं। छोटे से ऑब्जेक्ट को, टिनी ऑब्जेक्ट को मैग्निफाई करके देखना हो तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्कोप बोलेंगे। अब ये जो माइक्रोस्कोप है वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, और सिंपल माइक्रोस्कोप किसको बोलते हैं? जो सिंपल कॉन्वेक्स लेंस होता है उसी को हम सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। जो एक सिंगल, आपने देखा होगा ना, किसी चीज को मैग्निफाई करके देखना हो तो उसके लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। तो जो एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस है वही क्या बोला जाता है? सिंपल माइक्रोस्कोप बोला जाता है, क्योंकि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्निफाई करके आपको दिखाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप किसको बोलेंगे? कॉन्वेक्स लेंस को बोलेंगे। अब ये कैसे ऑब्जेक्ट को मैग्निफाई करके दिखाएगा वो पूरी मैकेनिज्म हम स्टडी करेंगे, और कितना मैग्निफाई कर पाएगा वो भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। दूसरा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसमें हम दो लेंस यूज करते हैं, और दो लेंस से जो मैग्निफिकेशन होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा बड़ी चीज दिखाई देगी, ठीक है। तो वो होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये कौन सा है? सिंपल माइक्रोस्कोप। इसमें सिर्फ एक ही लेंस यूज किया जाता है, और सिंगल लेंस वाले इस माइक्रोस्कोप को हम बोलेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। अब देखो ये कैसे किसी भी चीज को मैग्निफाई करके दिखाएगा वो हम स्टडी करेंगे। मान लो कि ये कोई लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, और ये इसका फोकस है। दोनों साइड में आपको पता है कि बराबर डिस्टेंस पे फोकस होता है। दोनों साइड में क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस पे फोकस होगा। ये बीच में क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर है ना, लेंस के बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। तो इस तरीके से दोनों साइड में हमने फोकस को मार्क कर दिया। अब मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो कि लेंस के सामने, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे रखा हुआ है। मान लो ये अपना ऑब्जेक्ट है, और इसको हमने कहाँ पे रख दिया? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दिया। इसका नाम रख दो ए बी, ठीक है। अब इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी वो हम फाइंड करते हैं। हमको पता है कि अगर फोकस के इधर ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उससे हमेशा रियल इमेज बनती है लेंस के दूसरी साइड में, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखोगे तो इससे एक मैग्निफाइड इमेज बनेगी, और उसी साइड में बनेगी जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। चलो चेक करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ए पॉइंट है उससे एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल इस लेंस के ऊपर इंसिडेंट करेंगे। ये वाली जो लाइट रे है ये रिफ्रेक्शन के बाद में कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। रूल के अकॉर्डिंग जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल लेंस के ऊपर इंसिडेंट होती है रिफ्रेक्शन के बाद में कहाँ से पास होती है? फोकस से पास होती है। दूसरी लाइट रे को मैं ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा देता हूँ। ये वाली लाइट रे बिना मुड़े सीधी चली जाएगी, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर इंसिडेंट होने वाली लाइट रे क्या होती है? बिना मुड़े सीधी चली जाती है। अब आगे ये दोनों लाइट रे कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, तो रियल इमेज तो बन नहीं सकती। रियल इमेज कब बनती है? जब लाइट रेज एक्चुअल में किसी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करके इमेज बनाती है, तो इससे वर्चुअल इमेज बनेगी। अब मान लो मैं इधर से देख रहा हूं तो ये दोनों लाइट रे मुझे कहां से आती हुई अपीयर होंगी, तो इन दोनों को बैकट्रेस करके देखूं। अगर इसको पीछे बढ़ाएंगे इस तरीके से, और इसको पीछे बढ़ाएंगे, तो आप देखोगे कि ये पीछे बढ़ाने पर ऐसे किसी एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगी, और ये पॉइंट होगा ए डैश। फिर इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके आप प्रिंसिपल एक्सिस से इसको मिला दोगे तो ये पॉइंट आ जाएगा अपना बी डैश। तो ये आ गई इमेज। तो ये ऑब्जेक्ट है ए बी, और ये इसकी इमेज है ए डैश बी डैश। डायग्राम समझ में आया? तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था उसकी कंपेरिजन में हमें बड़ी इमेज दिखाई दे रही है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सिंपल माइक्रोस्कोप, क्योंकि ये छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा रहा है आपको। जब आप इधर से देखोगे ना तो आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, अब दिखेगी इसकी इमेज जो कि ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। ये इसका काम है, ठीक है। अब इसमें मैग्निफिकेशन कितना हुआ? मैग्निफिकेशन का मतलब है जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की कंपेरिजन में कितनी बड़ी हमको दिखाई दे रही है, ये हमको फाइंड करना है। जो माइक्रोस्कोप होते हैं या टेलीस्कोप होते हैं उसमें हम एंगुलर मैग्निफिकेशन फाइंड करते हैं। कौन सा मैग्निफिकेशन? एंगुलर मैग्निफिकेशन। ये क्या चीज होती है भाई? एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन, इसको हम स्मॉल एम के सिंबल से ही रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है एंगल मेड बाय द इमेज, जिसको हम बीटा के सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट, जिसको हम अल्फा के सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब जो इमेज है उसके टॉप पॉइंट को
लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से मिला दो, इमेज के टॉप पॉइंट को लेंस के ऑप्टिकल सेंटर में मिला दो, जो एंगल बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उसको हम बीटा बोलेंगे, और ऑब्जेक्ट है उसके टॉप पॉइंट को लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पर मिला दो तो उससे जो एंगल बनेगा उसको हम अल्फा बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे इमेज के टॉप पॉइंट को लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पर मिलाओगे और ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट को लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पर मिलाओगे तो देखो ये एंगल कॉमन ही रहेगा दोनों के लिए। तो अल्फा और बीटा इस केस में क्या है, दोनों के लिए बराबर, इमेज के लिए और ऑब्जेक्ट के लिए। जो एंगल बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, इमेज के टॉप पॉइंट को लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पर मिलाओ और ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट को लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पर मिलाओ, ये देखो एंगल कॉमन ही बनेगा। और एंगल अगर बराबर होंगे दोनों तो ये रेशियो क्या आएगा, वन आएगा। मैग्निफिकेशन वन आने का मतलब ये होता है कि साइज ऑफ द इमेज और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बराबर है। लेकिन क्या प्रैक्टिकली ऐसा है क्या, इमेज तो बड़ी है ऑब्जेक्ट छोटा है, तो इसमें एक छोटा सा करेक्शन किया जाता है। जब ये डायग्राम है ना, इसमें एक छोटा सा करेक्शन करके बाद में हम कैलकुलेशन करेंगे। करेक्शन ये करना होता है कि जो इमेज है, जहाँ पे इमेज बन रही है उसी लाइन के ऊपर हमको ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर देना है। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे शिफ्टेड मानना है, यहाँ पे जहाँ पे इमेज बन रही है। तो मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे एज्यूम करूँगा, मतलब मैं इसको इसका नाम रख देता हूँ पी, पी बी डैश। तो पी बी डैश को आपको ऑब्जेक्ट मानना है। ऑब्जेक्ट रियल में तो कौन है, ए बी, लेकिन इसको कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, जहाँ पे इमेज बन रही है। तो ये जो पी बी डैश है इसको हम ऑब्जेक्ट की तरह एज्यूम करेंगे। अब इसके टॉप पॉइंट को जब आप लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पर मिलाओगे इस तरीके से, तो ये जो एंगल है इसको अब हम अल्फा बोलेंगे, और इमेज के टॉप पॉइंट को लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पर मिलाओगे तो जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इस पूरे एंगल को बीटा बोलेंगे। तो अल्फा और बीटा समझ में आ गए क्या, ठीक है। हमने ऑब्जेक्ट को उस लाइन पे शिफ्ट कर लिया जहाँ पे इमेज बन रही है, और फिर इसको ऑब्जेक्ट मानते हुए इसके टॉप पॉइंट को लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से मिलाया, तो जो भी एंगल बना उसको हमने क्या नाम दे दिया, अल्फा। और इमेज के टॉप पॉइंट को लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से मिलाया तो जो एंगल बना उसको क्या नाम दे दिया, बीटा। ये चीज़ समझ में आ गई। अच्छा, इमेज कहाँ पे बनानी है, ये जो इमेज बन रही है ना ये लेंस से कितनी दूर होनी चाहिए। तो हमारी जो आँखें हैं उससे अगर हम किसी भी चीज़ को देख रहे हैं और हमको उसको सबसे बेस्ट तरीके से देखना है, मतलब सबसे बढ़िया दिखना चाहिए, तो उसके लिए जो डिस्टेंस होती है वो 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस होती है, जिसको बोला जाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। हमारी आंखों के सामने कितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा जाए ताकि आपको सबसे बेस्ट दिखाई दे। अगर आप 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रख के किसी भी चीज़ को देखोगे तो सबसे बढ़िया दिखेगा, अगर पास करोगे तो धुंधला दिखेगा, दूर करोगे तो थोड़ा कम क्लियर दिखेगा, उतना अच्छा नहीं दिखता जितना 25 सेंटीमीटर पर हमको दिखाई देता है। हमारी जो आँखें हैं ना वो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, और इसकी इफिशियंसी यानी कि इसकी परफॉर्मेंस सबसे बेटर कब आती है, जब 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है। इससे दूर और इससे पास हमें लगभग साफ ही दिखेगा, ऐसी बात तो नहीं है कि खराब दिखेगा, लेकिन सबसे बेस्ट की अगर बात आए तो 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमको दिखाई देता है। तो ये जो इमेज बनाई है हमने, ये लेंस से कितनी दूर होनी चाहिए ताकि सबसे क्लियर दिखाई दे, 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। इधर से आप देख रहे हो लेंस के थ्रू, लेंस से आप किसी भी चीज़ को देख रहे हो मान लो, तो वो जो लेंस है उसके इधर जो इमेज बन रही है वो 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होनी चाहिए ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, ये कितनी होनी चाहिए, डी के बराबर होनी चाहिए, ये हमको पता है। यानी डिस्टेंस ऑफ द इमेज क्या है, डी के बराबर है यहाँ पे, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, है ना, ऑब्जेक्ट ये है ए बी, इसके जो डिस्टेंस है उसको हम U बोल सकते हैं और इमेज के डिस्टेंस को हम V बोलते हैं, V की वैल्यू यहाँ पे D के बराबर है। अभी इस फॉर्मूले के ऊपर आते हैं, हमको कैलकुलेट करना है एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या लिखा हमने, बीटा अपॉन अल्फा। अच्छा, जब भी हम कैलकुलेशंस करते हैं लेंस से रिलेटेड तो हम एंगल्स को स्मॉल एज्यूम करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि जो एंगल्स हैं वो बहुत छोटे हैं, और छोटे एंगल्स के लिए हम बीटा को या अल्फा को क्या लिख सकते हैं, टेन बीटा और टेन अल्फा लिख सकते हैं। स्मॉल एंगल्स के लिए जो थीटा होता है वो टेन थीटा के बराबर होता है या टेन थीटा के बराबर होता है अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ पे मैंने बीटा को देखो टेन बीटा लिख दिया और अल्फा को मैंने क्या लिख दिया, टेन अल्फा लिख दिया। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब जो टेन बीटा और टेन अल्फा की वैल्यूज है वो डायग्राम से आपको पुट करनी है। इसमें कैसे पुट करेंगे, ध्यान से देखना। मैं लिख रहा हूँ एम इक्वल्स टू टेन बीटा, कितना है यहाँ पे, तो ये जो ट्राइंगल है ये छोटे वाला, इस ट्राइंगल के अंदर ध्यान से देखो ये वाला जो एंगल है ये हमने बीटा लिया है, तो टेन बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन बी ओ लिखेंगे, डिवाइडेड बाई, और टेन अल्फा क्या लिखना है, तो टेन अल्फा इस वाले ट्राइंगल में देखो, टेन अल्फा क्या होगा, पी बी डैश डिवाइडेड बाई बी डैश ओ लिखेंगे। अब क्योंकि पी बी डैश ए बी के बराबर ही है, देखो पी बी डैश और ए बी ये बराबर ही है ना, हमने ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया था, तो जो ए बी है उसी के बराबर पी बी डैश है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हियर पी बी डैश इज इक्वल टू ए बी, देन ये जो ए बी और पी बी डैश है ये तो कैंसिल, और एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी डैश ओ अपॉन बी ओ आ जाएगा। क्या आ गया अपने पास, बी डैश ओ अपॉन बी ओ आ गया। बी डैश ओ क्या चीज है, बी डैश ओ ये है डिस्टेंस ऑफ द इमेज, और बी ओ क्या चीज है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द इमेज और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर इन दोनों की डिस्टेंस मेजर करना है तो देखो हमें ऑप्टिकल सेंटर पे खड़े होके और ऑब्जेक्ट और इमेज की तरफ जब जाना पड़ेगा तो ये इंसिडेंट रेज के अपोजिट डायरेक्शन है, इसका मतलब दोनों को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव सिंबल के साथ में लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो एम इक्वल टू हम लिखेंगे बी डैश ओ को तो लिखेंगे माइनस वी, और बी ओ को क्या लिखेंगे, माइनस यू, तो इससे एम इक्वल टू क्या आ गया, वी अपॉन यू आ गया। आया समझ में, ठीक है। अब क्योंकि हमने फाइनल इमेज कहाँ पे बनाई है, डी डिस्टेंस पे बनाई है, मतलब वी की वैल्यू किसके बराबर है, डी के बराबर है, तो मैं ये जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है इसको डी की टर्म्स में कन्वर्ट करूंगा। कैसे कन्वर्ट करना है अब ध्यान से देखना, ये जो लेंस है मान लो इसकी फोकल लेंथ है स्मॉल एफ, तो इसके लिए अगर मैं लेंस फॉर्मूला लिखूं तो मैं लिखूंगा वन अपॉन एफ इक्वल्स टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, और ये जो इक्वेशन है इसको अगर आप वी से मल्टीप्लाई करोगे पूरी इक्वेशन को तो ये बन जाएगा वी अपॉन एफ इक्वल टू वन माइनस वी अपॉन यू। अब एक चीज बताओ, वी किसके बराबर है यहाँ पे, डी के बराबर है, वी किसके बराबर, डी। अब मैं वी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो वी की वैल्यू क्या पुट करनी है, माइनस डी या डी। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो जो आपके पास लेंस फॉर्मूला होता है उसमें आप वैल्यू सिंबल के साथ पुट करते हो, तो वी की वैल्यू क्या पुट करनी है, माइनस ऑफ डी, तो लिखेंगे वी की जगह माइनस डी बाई एफ इक्वल टू वन माइनस, और वी अपॉन यू किसके बराबर है यहाँ पे, ये देखो वी अपॉन यू किसके बराबर है, एम के बराबर है, तो बताओ इससे एम इक्वल टू क्या आ गया, एम इधर ले जाओ ये इधर ले आओ, तो वन प्लस डी अपॉन एफ आ गया। और यही जो फॉर्मूला है यही है सिंपल माइक्रोस्कोप का एंगुलर मैग्निफिकेशन। ये फॉर्मूला हमको याद रखना है क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम डायरेक्टली इसको यूज करेंगे। जब भी ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाए, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाए और इमेज डी डिस्टेंस पे बनाई जाए, उस कंडीशन में ये जो लेंस है इसका मैग्निफिकेशन कितना होगा, एम इक्वल टू वन प्लस डी बाई एफ के बराबर होगा। ये चीज समझ में आई क्या, तो ये फॉर्मूला एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, सिंपल जो कॉन्वेक्स लेंस है उसके लिए हम लगाते हैं। कब लगाते हैं, जब हम किसी भी चीज को मैग्निफाई करके देखते हैं और डी डिस्टेंस पे इमेज बना रहे होते हैं, तो हमेशा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, एम इक्वल टू वन प्लस डी अपॉन एफ। एफ हमको पता होगा, डी की वैल्यू भी हमको पता है, डी 25 सेंटीमीटर लेना है, एम मतलब फोकल लेंथ ऑफ द लेंस जो आपको गिवन होगा, तो वो वैल्यू पुट करके हम सॉल्व करके फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई अच्छे से। अच्छा, एक चीज और इसमें याद रखने वाली है कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप है वो कितना बड़ा और जो इमेज है वो बना सकता है, मतलब कितनी बड़ी इमेज बना के आपको दिखाएगा, जो ऑब्जेक्ट है उसको कितना बड़ा करके आपको दिखा सकता है, तो ये 7 to 8 टाइम्स आपको बड़ी इमेज दिखा सकता है। जैसे जो ऑब्जेक्ट होगा ना, अगर वो मान लो कि 1 सेंटीमीटर साइज का कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको 7 या 8 सेंटीमीटर तक बड़ा करके दिखा देगा, इससे ज़्यादा मैग्निफाई नहीं कर पाएगा। तो जो सिंगल लेंस होता है ना, कॉन्वेक्स लेंस, वो इमेज को मैग्निफाई करके तो दिखाता है लेकिन उसकी एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा वो मैग्निफाई नहीं कर पाता। कितने गुना बड़ा दिखा सकता है, 7 से 8 गुना बड़ा दिखा सकता है। अगर आपको इससे भी बड़ी इमेज बनानी है तो आपको एक और लेंस यूज करना पड़ेगा, फिर वो बन जाएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और उससे जो मैग्निफिकेशन है वो और ज़्यादा मिलेगा आपको, और बड़ी इमेज बनेगी उससे। ठीक है, तो जो आप लेबोरेटरी के अंदर जो आप माइक्रोस्कोप देखते हो वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, और उसमें कितने लेंस यूज किए जाते हैं, 2 लेंस यूज किए जाते हैं। जब भी आप मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करोगे ना, चाहे सिंपल माइक्रोस्कोप हो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, और आगे हम टेलीस्कोप भी पढ़ेंगे,
उन सब के अंदर कौन सा मैग्निफिकेशन कैलकुलेट किया जाता है? एंगुलर मैग्निफिकेशन। और एंगुल जैसे एक पहले पढ़ा था ना अपने, लीनियर मैग्निफिकेशन, उसमें तो क्या होता है, साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाई साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगा, एंगल ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाई एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंगल आएगा इसमें, इसलिए इसको एंगुलर मैग्निफिकेशन बोलते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन में साइज का रेशो लिया जाता है और एंगुलर मैग्निफिकेशन में एंगल का रेशो लिया जाता है, ये डिफरेंस है दोनों में।